अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्कान खान और आप देख रहे हैं अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ कराची। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। हमारी रिपोर्टर मुश्ताक अहमद की इस रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ से ठट्टा कुरैशी से मुतालिक रखने वाले नौजवान डॉक्टर अब्दुल्ला ऐवान ने अपना तालीमी सफ़र मुकम्मल कर लिया है। ऐवान बरदरी की जानिब से मुबारकबाद। डॉक्टर अब्दुल्ला ऐवान और उनके साथ साथ डॉक्टर राशिद, डॉक्टर रेहान महमूद और डॉक्टर उमर अफजल, जो कि रशिया में गुज़िश्ता 5 सालों से ज़ेर तालीम थे, आज इन्होंने अपना तालीमी सफ़र मुकम्मल कर लिया है। अवामी और समाजी हलकों के साथ साथ मुअज़्ज़िज़ प्रोफेसरों और पूरी ऐवान बरदरी, साबिक कौंसलर मलिक साहिद हुसैन ऐवान, माहिर तालीम मलिक अरशद हुसैन ऐवान, मलिक खालिद हुसैन, मलिक इमदाद हुसैन और मलिक शहजाद हुसैन ऐवान ने डॉक्टर अब्दुल्ला ऐवान और उनके साथ दोस्तों MBBS का तवील सफ़र मुकम्मल करने पर न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौके पर मौजूद मलिक मुश्ताक अहमद आसी ने कहा कि आप हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं, हमारी पूरी कौम आपको खिराज तहसीन पेश करती है। डॉक्टर अब्दुल्ला ऐवान, डॉक्टर रेहान महमूद और डॉक्टर अफजल और डॉक्टर राशिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाल्लाह की इंसानियत की खिदमत का जज्बा दिल में रहेगा, गरीब आवाम की खिदमत मुस्तकबिल में जारी रहेगी। मुश्ताक अहमद आसी ने अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ मुजफ्फरगढ़ का शुक्रिया अदा करा।